क्या जनधन खातों में अब नगद निकासी करने पर 100 रुपये का चार्ज देना होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। हर दिन हजारों लाखों खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। इन वायरल खबरों का सच आपको बताता है उत्तराखंड पोस्ट। हमारी टीम की नज़र ऐसी वायरल खबरों पर रहती है और इन खबरों का फैक्ट चेक करके हम आपको इन खबरों का सच बताते हैं। अब एक और खबर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस खबर में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब जनधन खातों में नगद निकासी करने पर 100 रुपये का चार्ज वसूला जाएगा। तो क्या ये दावा सही है? क्या आप सच में जनधन खाते में नगद निकासी करने पर 100 रुपये का चार्ज भी देना होगा? इस खबर का सच आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी टीम की नज़र इस खबर पर पड़ी तो हमें ये खबर कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि जनधन खाता तो जीरो बैलेंस खाता है। इस खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता और नगद निकासी करने पर 100 रुपये का चार्ज वसूला जाना अपने आप में चौंकाने वाला है। तो हमें ये खबर कुछ अटपटी सी लगी। इस खबर का सच जानने के लिए हम केंद्र सरकार की न्यूज एजेंसी PIB के ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक पर पहुंचे। PIB ने भी इस खबर की पड़ताल करके सच सामने रखा। PIB ने कहा, एक खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब जनधन खातों में नगद निकासी करने पर 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। इस खबर का सच बताते हुए PIB ने कहा, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये खबर आई है और आपने इसे वायरल कर इसको आगे शेयर कर दिया है, तो लोगों को इस खबर का सच बताइए कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। क्योंकि ये खबर वायरल हो गई है, हो सकता है भविष्य में आपके पास ये खबर आए, तो इस खबर पर यकीन मत करिएगा और इसे आगे शेयर बिल्कुल मत करिएगा। आजकल खबरें आसानी से वायरल हो जाती हैं, लेकिन फर्जी खबरों के वायरल होने का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है, कुछ लोग जाने अनजाने में खबरों को आगे शेयर कर देते हैं और कुछ जानबूझकर भी ये काम करते हैं। तो अगर आप भी जानबूझकर खबरों को शेयर कर देते हैं, खास तौर पर अगर आप फर्जी खबरों को लोग शेयर कर देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो सावधान हो जाइए। फर्जी खबरों को शेयर करके आप मुसीबत में फंस सकते हैं। फर्जी खबरों को शेयर करना कानूनी अपराध है। दोस्तों, ये फर्जी खबर है, इस खबर का सच बताना उत्तराखंड पोस्ट की जिम्मेदारी है और लोगों तक इस खबर का सच पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इस खबर का सच पता चले। और अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगर मैं आगे कोई वीडियो लेकर आऊँ या इस खबर का आगे अपडेट लेकर आऊँ तो कहीं आप उसे मिस ना कर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।